हेलो एवरीवन, यस, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आए थे या कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे वो करवाने वाली हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ था वो चेक कर लीजिएगा क्या क्या उन्होंने ऐसे सॉल्व किए थे, क्योंकि धीरे धीरे लर्नर्स जो है मुझे वो पूरे पूरे क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो वो मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगी। तीन चार क्वेश्चन हम मैथ्स के यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो मुझे पूरे पूरे मिले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई पूरा क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है लेटेस्ट अपडेट से जुड़ने के लिए, उस टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लीजिएगा। तो जो लर्नर्स का एग्जाम हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ आंसर्स उनको पता लग जाएंगे, और जिनका एग्जाम अभी उन्होंने देना है आने वाले एग्जाम में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पूरा एनालिसिस मैंने इसी चैनल पर करवाया हुआ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन से आया है इस बार। ये एकदम नया सा थोड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि इंटीग्रेशन से आपको बेसिक क्वेश्चन ही आते थे, जैसे हम कंज्यूमर सरप्लस में इंटीग्रेशन निकालते हैं, बट ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था ये आपको कुछ इस तरह से दिया गया था, 2x/(x+1) का इंटीग्रेशन इस तरह से था ना। तो आपको कंज्यूमर सरप्लस से भी क्वेश्चन आया था, बट वो क्वेश्चन मुझे किसी ने बताया नहीं है कि वो अभी एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था। तो मैं यहाँ पे आपको ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था इसका फार्मूला बता देती हूँ। यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगना था, जैसे आपको डेरिवेशन का तो फार्मूला पता ही है ना, डेरिवेशन का हम फार्मूला लगाते हैं यू ओवर वी की डेरिवेशन का वी, फिर हम करते हैं यू की डेरिवेशन माइनस यू, फिर वी की डेरिवेशन डिवाइड बाई वी स्क्वायर। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी यू ओवर वी का एक फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को लगा के आपको आंसर निकालना था। जैसे ये फार्मूला होता है, पहले हम यू को रखेंगे सिंपल ऐसे, इंटीग्रेशन करेंगे हम वी की, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करेंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे यू की होगी डेरिवेशन, यू की डेरिवेशन, लंबा है थोड़ा सा फार्मूला, फिर से वी की इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर से वी की इंटीग्रेशन, और फिर से ये जो आपका सारा है, ये मतलब सारे की, ये फार्मूला आपका इस तरह से, मतलब यहाँ पे यू की इंटीग्रेशन है और वी यू की डेरिवेशन और वी की इंटीग्रेशन है, और ये सारे की दोबारा से इंटीग्रेशन है, मतलब ऐसा ये फार्मूला, थोड़ा लंबा सा। ये फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो आपका जो है ये आपका यू है, दिस इज यू इज 2x, एंड वी जो है ये आपका x+1 है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे 2x/(x+1) ही था या स्टेटमेंट में कोई बदलाव था, आई डोंट नो दैट। मैंने आपको ये फार्मूला बताया है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपने जो भी आंसर दिया यही था। और जैसे अगर मैं यहाँ पे वी की इंटीग्रेशन करूँ ना, वी की इंटीग्रेशन, तो वी की इंटीग्रेशन आपकी ऐसे जाएगी, जैसे एक्स है, एक्स की पावर 1 है, तो आप x²/2 लगा देंगे, है ना, और 1 की आपकी जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 0 है तो मैंने 1+ कर दिया, तो ये एक्स आ गया, ठीक है। हमेशा देखा, अगर आपको किसी भी इस तरह का इंटीग्रेशन में डाउट है, कि आप डाउटफुल है कि क्या इसकी इंटीग्रेशन यही आएगी, तो आप पता क्या करा करें, आपको डेरिवेशन अच्छे से आती है, अब इसकी आप डेरिवेशन निकाल के देखिए 2 मिनट के लिए, दैट इज 2x+2+1, ये लो x+1 आ गया, दैट मीन्स आपकी ये इंटीग्रेशन ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन बिल्कुल उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसी तरह से जब आप 2x/(x+1) की ये फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन निकालोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप चेक करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जो आपका आंसर निकला उसकी डेरिवेशन करके देख लीजिए, तो अगर आपका ये आ रहा है देन योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप जैसे यू की डेरिवेशन करनी है आपको, तो यू की डेरिवेशन ओनली 2 आएगी, है ना, सॉरी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अपना आंसर आप मैच कर लीजिएगा। इसके अलावा एक मुझे आज सुबह की क्लास जो आपकी स्पेशल पर हुई थी उसमें मुझे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है किसी लर्नर ने बताया था, पूरा क्वेश्चन बताया था प्रोबेबिलिटी का, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ क्या था वो। दैट इज आपके आपको 1 to 20 सीरियल नंबर दे रखा था, 1 to 20 नंबर दे रखे थे, और आपको यहाँ पे पता करना था कि 2 and 5 के जो मल्टीपल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 2 and 5 के मल्टीपल्स की आपको फाइंड करनी थी।
तो देखिए, अगर इसको थोड़ा सा हम रफ शीट पे सॉल्व करके देखते तो ये हो जाता 6, 7, 8, 9, 10। तो बेसिकली आपका एग्ज़ाम जो था वो लेंथी था, बट डिफ़िकल्ट नहीं था। जो टॉपिक्स आपको करवाए गए थे उन्हीं टॉपिक्स में से पेपर आया था, कुछ अलग से मतलब ज़्यादा नहीं आया था। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, कुछ डायनामिक क्वेश्चन, हर बार कुछ अलग आते हैं, ठीक है, बट मोस्टली पेपर आपके कराए हुए में से ही आया। यहाँ पे अब देखो 2 एंड 5 के मल्टीपल्स कितने हैं, ये है दैट, देन ये 3, देन ये 4, देन ये 5, 9 नहीं है, 10 5 का मल्टीपल भी और 2 का भी, देन 12, देन 14, 15 5 का आएगा, 16 भी आएगा, 18 भी आएगा एंड 20 है। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 हो गए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपकी फेवरेबल आउटकम्स हैं डिवाइड बाय करते हैं टोटल से। फेवरेबल 12 आ गई और टोटल है 20, तो ये आपका आ गया टू फाइव का 10। यस, 3/5 आपका आंसर आ, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन आपको हैरेड डॉमर के ग्रोथ मॉडल से आया है, हैरेड डॉमर के ग्रोथ मॉडल से। उसमें ये था कि आपको जो ग्रोथ रेट है ना वो दे रखा था 8%, ठीक है, और आपको कैपिटल आउटपुट रेशियो दे रखी थी 4%, एंड यू हैव टू फाइंड द सेविंग रेट। तो जैसे कि हमने हैरेड डॉमर के ग्रोथ मॉडल में एक्चुअल ग्रोथ रेट का ये फार्मूला कर रखा है एस ओवर सी, तो ग्रोथ रेट आपका अगर 8% है एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर आपका 4% है, तो सेविंग रेट आपका 32% यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था ये, है ना। क्योंकि उसने अगर ग्रोथ रेट आपको दिया है 8%, सेविंग पूछा है, और कैपिटल ग्रोथ रेट एंड कैपिटल जो आउटपुट रेशियो ये इन्वर्सली रिलेट करेंगे ना, इन्वर्सली रिलेट करते हैं। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा ना, यानी कि आप ज़्यादा कैपिटल पे कम आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स ज़्यादा अगर कैपिटल लग रहा है तो ग्रोथ रेट आपका कम होगा, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो ग्रोथ रेट से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, और सेविंग जो है ये पॉजिटिव। तो सेविंग रेट आपकी 32% यहाँ पे आना था आपका आंसर, ठीक है जी। अच्छा हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे किसी ने बताया था, आपका दैट इज गेम थ्योरी का क्वेश्चन था, गेम थ्योरी का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था, ऐसे था, फर्म फर्म मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज इटसेल्फ स्ट्रेटेजी, मतलब अपनी स्ट्रेटेजी को जो फर्म है अगर वो मैक्सिमम करे, तो ऐसे करके था क्वेश्चन, कि फर्म जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को मैक्सिमम अगर करे विदाउट एनी अदर, हाँ विदाउट एनी अदर मतलब दूसरे की कंसीडर किए बिना, इस तरह से क्वेश्चन था। और इसके ऑप्शंस में आपको थे जैसे डोमिनेंट स्ट्रेटेजी था, फिर मैक्सिमिन मिनी 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 मैक्स करके था, फिर आपका ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी था। तो इसका सही जवाब आपका डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होना था, क्योंकि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में हम पढ़ते हैं कि फर्म अपनी स्ट्रेटेजी को मैक्सिमम करता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर्स डू, ठीक है, दूसरा जो मर्जी करे उसको अपनी स्ट्रेटेजी को मैक्सिमम करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था आपको इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है जी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था, जो हमने इकोनोमेट्रिक्स में वो पढ़ी है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, है ना, उससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत अच्छे से मैंने आपको बहुत बार रटाई है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। उसमें आपको ऑर्डर कंडीशन से क्वेश्चन आया था जी, यहाँ पे हम करते हैं ऑर्डर कंडीशन में, उसने आपको जो आपकी ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस होती है ना, इसका फार्मूला पूछा था, ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन का फार्मूला, ठीक है। तो जो ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस है, एज यू नाउ इसमें के माइनस एम ग्रेटर देन जी माइनस वन ऐसे होता है ना, तो के जो होता है दैट आर योर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एम जो होता है दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, जी जो होता है ये आपकी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं। तो इसका कुछ मतलब वर्बली उसने फार्मूला बना के पूछा था, ऑप्शंस में आई डोंट नो क्या था, बट ये फार्मूला ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन का इस तरह से यहाँ पे आना था।
यही क्वेश्चंस थे जो मेरे साथ लर्नर्स ने शेयर किए थे, जो एग्जैक्ट पूरे क्वेश्चंस पता थे। बाकी जब आपका आंसर कीज आएंगी तो मैं आपको उसी वक्त जो है वो इन्फॉर्म जरूर करूंगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनअकैडमी पर क्लासेस होती हैं, फ्री वाली क्लासेस, उनके सबके लिंक्स आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। पूरा प्लस कोर्स अगले बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वहाँ पे प्लस कोर्स स्टार्ट हो चुका है अगले बैच के लिए, और अभी 20% ऑफ भी चल रहा है 14 अक्टूबर तक। तो जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। Simmer10 मेरा कोड है, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो ये लगा के आप 20% ऑफ ले सकते हैं। मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक, जिसमें हर बार जिससे 80% पेपर आपका उसी बुक में से आता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, उसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं अगले एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।